नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने अंदर हुई कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हो एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे का उपयोग करके। प्योर आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा बताऊंगा दोस्तों, कोई भी उस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है, 100% आपको उस नुस्खे का रिजल्ट मिलेगा। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने अंदर हुई कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है। कैल्शियम की कमी दोस्तों ज्यादातर बच्चों और महिलाओं के अंदर होती है और पुरुषों के अंदर भी हो जाती है। जिसकी 18 साल से ज्यादा की उम्र होती है उनके अंदर भी कई बार हो जाती है, लेकिन देखने को ज्यादातर मिलता है बच्चों और महिलाओं के अंदर ज्यादा कैल्शियम की कमी होती है। फिर वो सहारा लेते हैं दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन का। एलोपैथिक मेडिसिन हमारे अंदर कैल्शियम की कमी को तो पूरा कर देती है, लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसका उपयोग करके बिल्कुल फ्री में आप अपने अंदर हुई कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों शरीर में थकावट रहती है, जो नाखून होते हैं बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, और बालों का झड़ना या फिर हड्डियों का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की कमी जिसके अंदर हो जाती है। और अगर आप समय रहते कैल्शियम की कमी को अपने शरीर के अंदर पूरा नहीं करते हो तो एक बहुत बड़ी बीमारी का भी आपके शरीर में रूप ले सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी आपके शरीर में आ सकती है। इसलिए समय रहते आप कैल्शियम की कमी का इस नुस्खे का उपयोग करके अपने अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर लीजिए। आप टेस्ट करवाइए लैब में, अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, अगर कैल्शियम आपका कम है 7 mg/dL से अगर आपका कम है तो आप इस नुस्खे का उपयोग जरूर कीजिए। आपको दोस्तों करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको करना क्या होगा, जीरा जो होता है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जीरे के अंदर दोस्तों बहुत एक भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन इसका लेने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। आपको पेय पदार्थ बनाना है, एक ड्रिंक बनाना है। आप एक काम कीजिए, 2 गिलास पानी लीजिए, 2 गिलास पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच जीरा डालिए, शाम को भिगोकर रख दीजिए। 2 से 3 चम्मच जीरा 2 गिलास पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच जीरा डाल के ढक के शाम को भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद दोस्तों उस पानी को जीरे समेत उबाल लीजिए और इतना उबालिए कि वो 2 गिलास पानी 1 गिलास बच जाएगा, बाकी भाप बन के उड़ जाएगा। उसको छानिए और सुबह खाली पेट उस पानी का सेवन कीजिए, उस पानी को पी लीजिए। ये है दोस्तों जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अगर किसी बच्चे को इस नुस्खे का सेवन करना है, यानी कि 18 साल से नीचे के किसी बंदे को इसका सेवन करना है, तो वो 2 से 3 चम्मच की जगह पे 1 चम्मच जीरा और 1 गिलास पानी का उपयोग करे। नुस्खा बिल्कुल सेम है। इसके अलावा दोस्तों आपको दूसरा एक तरीका बताऊं, उसके साथ दोनों को साथ भी आप कर सकते हो। जो काले तिल होते हैं, काले तिल या फिर सफेद तिल भी चल जाएंगे, जो तिल होते हैं 1 से 2 चम्मच तिल अपने खाने में हर रोज जरूर मिलाएं। मिश्री के साथ भी ले सकते हो, गुड़ के साथ भी ले सकते हो, या फिर तिलों के लड्डू भी बनवा सकते हो। तिल का सेवन अपने खाने में जरूर कीजिए, तिल का उपयोग अपने खाने में जरूर कीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और आपके अंदर बहुत जगह, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी है बिना एलोपैथिक मेडिसिन खाए कंप्लीट हो जाएगी। आप टेस्ट करवा सकते हो इस नुस्खे का उपयोग करके। आपको अगर जोड़ों में दर्द है, या फिर आपके नाखून अगर पीले हो गए हैं, या फिर आपकी जो दांत है वो कमजोर हो, जब दांत कमजोर हो जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर साफ साफ बात होती है कैल्शियम की कमी की। थकावट रहती है शरीर में, जैसे फीवर रहता है हल्का हल्का, अगर ये सिम्टम अगर आपको नजर आते हैं तो आप इस नुस्खे का उपयोग करके अपने अंदर हुई कैल्शियम की कमी को पूरा कर लीजिए। साथ में दोस्तों आपको परहेज रखने होंगे, थोड़े से फास्ट फूड से, पैकेट बंद सामान से आपको थोड़ी दूरी बनानी होगी। जो खट्टी इमली से चीजें बनती हैं उनका सेवन नहीं करना, ज्यादा लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है। जो जो मैंने आपको तिल बताए हैं उनका सेवन आप दूध के साथ कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। दूध के साथ करते हो बहुत जल्दी कैल्शियम कमी आपके अंदर पूरी हो जाएगी। और जो आपको पहला जीरे वाला नुस्खा बताया था उसको आप वैसे ही ले सकते हो खाली पेट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन, उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटे के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम फेसबुक पर भी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।